ऐसा है कि साबरमती आश्रम ज्यादातर जो गांधी जी का मतलब घर था और उनकी मैनुस्क्रिप्ट थी वगैरह के लिए जाना जाता है, पर 2013 के आसपास साबरमती आश्रम ने एक पोर्टल लॉन्च किया, गांधी हेरिटेज पोर्टल, जिसमें के जो गांधी जी के रिलेटेड जितनी भी लिखावट पूरे दुनिया में है उसको संजोग कर एक जगह पर मतलब लाने के लिए कार्य किया गया। उसमें ऐसा था कि मतलब हमारे पास कुछ किताबें थी, कुछ इम्पोर्टेंट मैनुस्क्रिप्ट्स थी, वो सबको हमने डिजिटाइज किया और कुछ गांधीयन इंस्टीट्यूट को और कुछ अलग अलग देशों के साथ हमने कम्युनिकेट करके उनके पास जो इम्पोर्टेंट चीजें थी गांधी जी के रिलेटेड उसको डिजिटाइज किया गया। 2013 में ही तभी के प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये पोर्टल का उद्घाटन किया था और पूरी दुनिया उसके बाद उसको फ्री देख सकती है। तभी से साबरमती आश्रम डिजिटाइजेशन के कार्य में जुटा हुआ है और अभी तक हमने करीबन 2.7 मिलियन डिजिटल पेजेस हमारे पोर्टल पर रखे हुए हैं जो कि पूरी दुनिया उसको फ्रीली पढ़ सकती है। जी, शुरुआत से मैं बात करूं तो पूरी दुनिया से करीबन 191 कंट्रीज से लोग इसको एक्सेस करते हैं। दुनिया भर की कई सारी यूनिवर्सिटीज, कई सारे रिसर्चर्स, ऑथर्स, स्कॉलर्स, स्टूडेंट्स, ये सभी लोग इसको और सामान्य जनता ऑफकोर्स इसको यूज करते हैं और कई यूनिवर्सिटीज ने इसको एज अ रेफरेंस मटेरियल गिना हुआ है, क्योंकि यहाँ पर हम जो भी कंटेंट अपलोड करते हैं डिजिटाइजेशन के बाद उसकी पूरी तरीके से ऑथेंटिसिटी चेक करी जाती है और उसके बाद ही यहाँ रखा जाता है। तो जो कोई भी कंटेंट हमने अपलोड किया है वो कंटेंट ऐसा है कि मतलब प्रॉपरली ऑथेंटिकेशन चेक किया गया है, तो वो मतलब रेफरेंस मटेरियल के हिसाब से सबसे उत्तम है। दूसरा ये है कि इसमें ऐसा नहीं है कि खाली हमने पुस्तकें ही डिजिटाइज करी, हमने अलग अलग चीजें करी है, जैसे कि हमने वर्चुअल वॉक थ्रूज बनाए हैं, तो आप दुनिया में कहीं पर भी रह के गांधी जी का अगर कोई भी आश्रम आपको देखना हो तो आप उसको वर्चुअल विजिट कर सकते हो, गांधी जी हर एक गांधी जी की इम्पोर्टेंट प्लेस के लिए डिटेल इन्फॉर्मेशन देख सकते हो, गांधी जी की पूरी दिनवारी आप वहां पर पढ़ सकते हो, गांधी जी के आश्रम का हमने 3D मॉडलिंग किया है या उन्होंने जो चीजें मतलब यूज करी थी जैसे कि चरखा है उनका डैट के, उसको भी हमने डिजिटाइज किया और 3D मॉडलिंग किया है। तो ये सभी चीजें एक ही जगह पर उपलब्ध है और ये पूरी दुनिया में कहीं भी बैठ के आप उसको देख सकते हो। तो ये एक अनोखा पोर्टल है और पूरी दुनिया उसमें मतलब पूरी दुनिया से हमारे यहाँ विजिटर्स आते हैं। एक अलग सी जानकारी बताऊं तो ये है कि ये पोर्टल में कई पोर्टल जैसे न्यूज मीडिया पोर्टल होते हैं या सोशल मीडिया होता है उसमें ऐसा है कि कितने लोग आए, हमारे लिए यहाँ काफी लोग विजिट तो करते हैं, पर एक अनोखा फैक्टर इसमें ये देखा जाना चाहिए जो हम देखते हैं कि कोई यूजर विजिटर इसको इस हमारे पोर्टल पर आके कितनी देर ठहरता है, मतलब कि अगर वो मतलब सीरियस यूजर होगा तो वो वहां पर आके पढ़ेगा, तो करीबन 1700 से 1800 लोग हर रोज आधे घंटे से ज्यादा उसके इसके ऊपर पढ़ाई करते हैं। तो ये एक अच्छा अचीवमेंट है, हम ऐसा मानते हैं।